वेल बी। ठीक है, तो आज तीन क्वेश्चंस रहेंगे मेरे आपसे, जो कि आप अपने आप से पूछेंगे, क्या आप अच्छी डाइट लेते हैं, क्या आप बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस लेते हैं अपने डाइट में, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, और क्या आप रूटीन हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। अगर 30 अबव है तो 6 महीने में आपको हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए, जिनमें आ जाते हैं आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, इस तरीके के जो चेकअप्स हैं वो जरूर होने चाहिए। ठीक है, अगर एक्सरसाइज की बात करी जाए तो 30 मिनट्स की एक्सरसाइज मस्ट है। मतलब आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, क्या आप करते हैं, 3 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉकिंग मस्ट है। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये एक्सरसाइज करते होंगे, इस तरीके के रूटीन चेकअप लेते होंगे, और यही एक रीजन है कि इंडियंस में डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। राइट, तो हमारा लाइफ स्टाइल है कैसा, शायद आपका भी कुछ ऐसा हो सकता है। स्लीपलेस नाइट, रात में नींद नहीं आती, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, जंक फूड तो हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और इस लॉकडाउन के टाइम में हमने डीप फ्राइड फ्रूट तो बहुत सारा खाया होगा आई बिलीव, और अनहेल्दी बेवरेजेस लेते हैं, बहुत सारी मल्टीटास्किंग करते हैं। इनफैक्ट मैं श्योर हूँ कुछ लोग अभी भी मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे, वेलनेस के साथ में शायद कुकिंग भी चल रही होगी। इस तरीके की मल्टीटास्किंग में आप कभी भी फोकस्ड नहीं हो पाते हैं। पोल्यूशन, यस, हमें बहुत हार्मफुल इफेक्ट दिखता है हमारी हेल्थ पर। अल्कोहल और स्मोकिंग, ये भी बहुत ज्यादा है हमारे लाइफ स्टाइल में। तो कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल से आपको कुछ इस तरीके की डिजीज का सामना करना पड़ सकता है, और बहुत से लोग ऐसी डिजीज का सामना कर रहे हैं, जिनमें की है कुछ हार्ट हेल्थ डिजीजे जो कि बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं, और आंकड़े बताते हैं कि आने वाले टाइम में 50% इंक्रीमेंट और हो जाने वाला है। इसी तरीके से कुछ और भी डिजीजेज हैं जिसमें कि आपकी आ जाएंगी डायबिटिक, आप बहुत ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स आपको मिल रहे हैं, और ये भी आंकड़े बढ़ने ही वाले हैं जिस तरीके का हमारा लाइफ स्टाइल है। कैंसर डिजीज भी बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हर तीसरे व्यक्ति को देखा जाए तो वो ओबेसिटी का शिकार है। लंग डिजीज, कम से कम 11% जो डेथ हो रही है वो लंग डिजीज से हो रही है, और आज की डेट में ये आंकड़ा 11% से बढ़ चुका है, क्योंकि कोरोना डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो सबसे पहले लंग पर ही अटैक कर रही है। राइट, तो WHO और ICMR कहता है कि हम इस तरीके का जो डिजीजेस हैं उनसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, सिर्फ एक ही जरूरत है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की। तो अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो हम अपने आप को इस तरीके की डिजीज से बचा सकते हैं अपने आप को। राइट, तो क्या पर्पस है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने का। सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, ये एक सप्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपनी डाइट के साथ इनको लेना है, तो जो गैप आ गया है, जो आपकी डाइट में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो गई है, उस गैप को ये फिल करेगा। दूसरा, ये आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा न्यूट्री शेक है, एक बहुत ही फैंटास्टिक प्रोटीन शेक है, वो आपके ब्लड में धीमे धीमे ग्लूकोज को रिलीज करेगा, जिससे कि आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे कि आपको नॉर्मल वायरस और बहुत तरीके के वायरस जो आज भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ये अटैक नहीं कर पाएंगे। आज डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप प्रोटीन डाइट लें, कुछ ऐसी विटामिन सी वाले आप प्रोडक्ट खाएं, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए और अपने आप को ऑक्सीडेशन और टॉक्सिन से प्रिवेंट कर सके। तो हमारे चार कॉर्नर स्टोन है जो हमारी हमारी वेलनेस को यूनिक बनाते हैं, ये 360 डिग्री का सपोर्ट देते हैं, जिनमें की पहला है हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स, जिसमें कि आपके सप्लीमेंट्स आ जाएंगे, प्रोटीन शेक आ जाएगा, ओमेगा 3 आ जाएगा, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स आ जाएंगे। दूसरा हमारा आ जाएगा न्यूट्रिशंस, जो कि हमारी डाइट में हमें लेने हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, एंड फोर्थ रहेगा वेलबींग की। ठीक है, तो अगर हम डेली अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं जो कि साइंस और नेचर पर बेस्ड है, तो हम एक बैलेंस्ड आप अपनी हेल्दी लाइफ को ले सकते हैं। तो हमारे आंकड़े क्या कहते हैं कि 50+ साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, 400 से ज्यादा इंडिया इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन देखे जा रहे हैं, 15 साल की रिसर्च, 15 साल से ज्यादा की इनफैक्ट रिसर्च और डेवलपमेंट चल रही है, 6 इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त है। इसके अलावा यूनिकनेस एक और है कि 100% नेचुरल न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट है हमारे वेलनेस में, एंड कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर और प्रिजर्वेटिव नहीं है।
ये पिक्चर शो कर रही है, ये है हमारे यूनिक सप्लीमेंट, जिनमें की पहला आ जाता है न्यूट्रिशिए, जो आपको मिलता है तीन फ्लेवर में। नंबर वन में आ जाएगा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, दूसरा मैंगो बनाना एंड तीसरा वेनिला। दूसरा प्रोडक्ट हमारा रहेगा ओमेगा 3 और तीसरा प्रोडक्ट हमारा रहेगा एंटीऑक्सीडेंट्स। तो प्रोटीन हमें जरूरी क्यों है? क्या आप जानते हैं कि आपका बॉडी का हर सेल प्रोटीन से बना हुआ है और सेल से ही बनता है टिश्यू? तो टिश्यू की रिकवरी, टिश्यू की रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है आपकी बॉडी में प्रोटीन का होना। और जो हमारा प्रोटीन शेक है, इसमें 20 तरीके के अमीनो एसिड्स हैं, जिनमें 9 तो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो इतने एसेंशियल हैं, जो हमारी बॉडी बनाती ही नहीं, जो कि हमें यहाँ से ही मिलेगा। तो इससे हमें क्या फायदा होगा? मसल्स, ब्रेन, हार्ट, स्किन, बोन्स और ब्लड, इन सब पे हमारा प्रोटीन शेक बहुत अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट, हमारा प्रोटीन जो है शेक है, उसमें इंग्रेडिएंट है फाइबर। तो फाइबर क्या है? एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे काम करेगा। जब हम फाइबर लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर हो जाता है। होता क्या है, फाइबर एक काम करता है आपकी इंटेस्टाइन को क्लीन करने का भी काम करता है, दूसरा आपके ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल लेवल को स्टेबलाइज भी करता है, एंड थर्ड, जब आप फाइबर डाइट लेते हो तो आप फुलर फील करते हो, जिससे आपकी क्रेविंग खत्म होती है। आप बार बार आपका नमकीन बिस्किट्स खाने का मन नहीं करता, जिससे आपका वेट मैनेज हो सकता है। ठीक है, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कुछ सिम्टम्स हैं, जैसा कि बहुत से लोगों की एक शिकायत रहती है, मेरा हेयर फॉल हो रहा और मैंने बहुत सारे शैम्पूस ट्राई कर लिए फिर भी मेरा हेयर फॉल नहीं रुक रहा, शैम्पू खराब है। ठीक है, एक्चुअली शैम्पू खराब नहीं है, एक्चुअली आपका हेयर और आपका नेल प्रोटीन से बना हुआ है, और अगर प्रोटीन नहीं है तो आपके बाल तो टूटेंगे ही। तो बहुत बड़ा रीजन है अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो सोचने की जरूरत है क्या आप प्रोटीन डाइट लेते हैं। दूसरा, स्किन खराब हो रही है, स्किन से ग्लो चला गया, रैशेज आ गए, फ्लेकी स्किन हो गई, ये भी एक डेफिशिएंसी साइन है प्रोटीन का। वीकनेस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार जुकाम खांसी हो रहा है, इसका बहुत बड़ा रीजन है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। एनर्जी लॉस हो रहा है, बहुत जल्दी आप एलर्जिक हो जाते हैं, क्रेविंग हंगर है और आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, ये सारे सिम्टम शो कर रहे हैं कि आप में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और आपको प्रोटीन लेना चाहिए। तो न्यूट्रीशेक क्या है? एक बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशनल कन्वीनियंट स्नैक है ये, जो कि हमारे प्रोफेसर डॉक्टर स्टिग स्टीन ने, ये इनकी टीम ने मिलकर ये डिजाइन किया है। 100% वेजिटेरियन है ये, और ये वेजिटेरियन शेक स्पेशली इंडिया के लिए डिजाइन किया गया है। बाहर के यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ पर ये ओरिफ्लेम है, जहाँ पर शेक आता है, वहां पर नॉन वेज एक्सट्रैक्ट भी उसमें लिए गए हैं, पर इंडिया के लिए स्पेशली वेजिटेरियन है। बैलेंस इंग्रेडिएंट्स है इसमें, तीन तरीके का प्रोटीन एंड तीन तरीके का फाइबर है, तो मैं कह सकती हूँ हाई इन प्रोटीन एंड हाई इन फाइबर है। ठीक है, नेचुरल इसमें इंग्रेडिएंट है, और ये है वो डॉक्टर स्टिग स्टीन, जिन्होंने ये डेवलपर है न्यूट्रिशेक के, इन्होंने ही ये न्यूट्रिशेक डिजाइन किया है। और जब इन्होंने ये, सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन दे दूं, ये हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जब इन्होंने ये डिजाइन किया, उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जब ये डिजाइन किया इन्होंने, ये अपने पेशेंट्स का देखते थे कि जब उन्होंने लंग ट्रांसप्लांट किया, हार्ट ट्रांसप्लांट किया, देखते थे उनकी रिकवरी बहुत स्लो हो जाती थी। इस रिकवरी को फास्ट करने के लिए उन्होंने उनको अच्छी डाइट दी, अच्छी कैलोरीज, अच्छी प्रोटीन सब कुछ दिया, पर वो रिकवरी उतनी फास्ट नहीं देख पाए। तब इन्होंने उन्हें तीन तरीके का प्रोटीन और तीन तरीके का फाइबर दिया, जिसमें उन्होंने ये न्यूट्रिशेक डिजाइन किया और देखा कि यस, रिकवरी फास्ट हो गई, और इसीलिए ये न्यूट्रिशेक को उन्होंने बैलेंस्ड वेलनेस को डिफाइन किया और ये लॉन्च करी ये वेलनेस। ये है हमारी इग्लोसा लाइफ साइंस सेंटर, जहाँ ये बर्थ प्लेस है न्यूट्रिशेक की, और यहाँ पर रिसर्च चलती रहती है, इनोवेशंस होते रहते हैं और न्यूट्रिशंस को बनाया जाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट की जो कि हमारे न्यूट्रिशेक में है। आप देख रहे हैं इसमें तीन तरीके का प्रोटीन है, जिसमें नंबर वन प्रोटीन जो है वो है पी प्रोटीन, यानी कि दालों वाला प्रोटीन मिल गया, इसमें सोए प्रोटीन मिल गया और वे प्रोटीन मिल गया, इसमें तीनों तरीके का मिल गया, दाल वाला भी मिल गया और वेजिटेबल वाला भी मिल गया, और वे प्रोटीन यानी कि मिल्क प्रोटीन भी है, और ये तीन ही तरीके का इसमें फाइबर है, रोज हिप, शुगर बीट एंड एप्पल। रोज हिप क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, रोज प्लांट में होने वाला एक फ्रूट पार्ट, जो जिसमें इतना फाइबर इतना ज्यादा होता है कि
कि वो सबसे पहले तो आपके बालों के लिए बहुत काम करता है। तो जो लोग रोज हिप ऑयल भी लगाते हैं उनके बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो हम आपको फाइबर खाने के लिए बोल रहे हैं जो कि मोस्ट इफेक्टिव रहेगा। इसमें इन्होंने प्रोवाइड किए 9 तरीके के एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमें यहाँ से ही लेना पड़ता है। 100% प्रोटीन हो गया और नेचुरली रिच इन फाइबर। तो अगर मैं बात करूं इनके फीचर्स की तो यहाँ पर आपको 3 फ्लेवर में ये शेक मिल रहा है, वनीला, स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो बनाना। हर शेक में आपको हर डोज में 7.7 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। इसके बाद आपको 64 कैलोरीज मिलती है जो कि आपको एक एप्पल से भी मिलती है। इसमें जो कार्ब्स मिलते हैं वो 6.5 ग्राम है। इसमें जो जीआई है, लो जीआई है 43। अब आपको जरूर ये जानना चाहेंगे कि जीआई क्या होता है। जीआई इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब जो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो होता है जाता है वो लो होना चाहिए जिससे आप ज्यादा देर तक एनर्जेटिक रह पाए। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप चॉकलेट खाते हैं तो वो हाई जीआई है, एकदम से आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है क्योंकि वो हाई जीआई है, एकदम से ग्लूकोज आपके रिलीज हो जाता है। पर यहाँ पर क्या है, ये लो जीआई है तो वो धीमे धीमे रिलीज होगा, आप ज्यादा टाइम तक एनर्जेटिक रह पाएंगे। इसके अलावा इसमें फाइबर 1.6 से लेकर के 1.9 ग्राम तक का है और 1.5 ग्राम का फैट है। नॉन जीएमओ है, जीएमओ स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें किसी भी तरीके की केमिकल वाली खादें नहीं यूज करी गई है, किसी भी तरीके का प्रिजर्वेटिव नहीं है और कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं लिया गया। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं, जो येलो कलर आया है वनीला शेक में वो हल्दी से आया है। इसी तरीके से जो स्ट्रॉबेरी में आपको जो कलर पिंक दिख रहा है वो आर्टिफिशियल कलर नहीं है, वो एक बीट रूट का कलर है। और साथ में ये ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन फ्री, जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, वीट से एलर्जी होती है, वो लोग नॉर्मली प्रोटीन में ग्लूटेन देखा जाता है पर हमारे प्रोटीन शेक में ग्लूटेन नहीं है। तो वो लोग जो ग्लूटेन एलर्जिक हैं वो लोग भी सेफली इस शेक को ले सकते हैं। तो बेनिफिट्स की बात करी जाए, एनर्जी को बूस्टअप करेगा। क्यों? क्योंकि ये लो जीआई है, धीमे धीमे आपके ग्लूकोज को रिलीज करेगा आपके ब्लड में। एंड सेकेंड, इसमें जो हाई प्रोटीन और फाइबर फाइबर है वो ऑप्टिमल एक न्यूट्रिशन दे रहा है। एंड थर्ड, जो हंगर और क्रेविंग है, अगेन यहाँ पर जो मैंने पहले भी बताया आपको, जो फाइबर जा रहा है वो फुलर का काम कर रहा है जिससे आपको क्रेविंग नहीं होगी। एंड सेकेंडली, इंटेस्टाइन क्लीन रहेंगी तो वैसे भी आपको ये जो एंजाइम्स है आपकी बॉडी उनको अच्छे से ले पाएगी। तो न्यूट्रिशेक का जो जो यूजेज है वो क्या रिकमेंडेड है कि आप एक स्कूप लेंगे 18 ग्राम का। ऑरिफ्लेम का एक शेकर आता है, उसमें एक स्कूप है। अगर वो आपके पास शेकर नहीं है तो नॉर्मल स्पून से भी आप ले सकते हैं। 2 हीप्ड स्पून 18 ग्राम की हो जाती है, हीप पूरी भरी हुई। न्यूट्रिशेक का पाउडर लेना है और 150 ml कोल्ड वाटर लेना है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि आपने गर्म पानी में इसको नहीं लेना है, आपने इसे ठंडे पानी में लेना है। उसका एक लॉजिक है, जब आप इसे ठंडे पानी में लेंगे तो आपके इंटेस्टाइन में जो एक क्रैक होता है वो एक ठंडे पानी का फाइबर जब घुलेगा तो एक लेयर क्रिएट कर देगा। इसके बाद जब जो भी आप खाएंगे वो इजीली डाइजेस्ट हो पाएगा, सारे एंजाइम्स उस खाने से ले पाएगा और आपका वो ट्रैक है, जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो क्लीन हो पाएगा, जिससे सबसे पहला जो आपको इफेक्ट दिखेगा वो अपनी स्किन पर दिखेगा, स्किन पर ग्लो आ जाएगा। 28 सर्विंग का ये बॉक्स है, मतलब महीने की ऑन एन एवरेज आप 1 महीने का आप डोज मान लें इसको, ठीक है। और आपके जो अपने ब्रेकफास्ट और को आप अपने अपग्रेड कर सकते हैं इस न्यूट्रिशेक से, 1 से 2 बार आप ले सकते हैं। अगर आप जल्दी अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं तब आप 2 बार लें, अदरवाइज हेल्दी लाइफ के लिए आप 1 बार भी लें। खाना खाने से आधा घंटे पहले इसको ले लें जिससे कि वो एक ट्रैक बना दे और उस ट्रैक के बाद जो आप खाना खाएं वो इजिली डाइजेस्ट हो पाए, ठीक है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट रहेगा ओमेगा 3। ओमेगा 3 के बारे में सभी जानते हैं कि ये एक एसेंशियल फैटी एसिड है और ये एसेंशियल फैटी एसिड हमें बहुत जरूरी है पर हमारी बॉडी इसे नहीं बनाती। और जानते हैं क्या क्या फंक्शन इससे होते हैं। हार्ट पे ये काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्रेन के लिए, जॉइंट के लिए, स्किन के लिए, ब्लड के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए और आईज के लिए। वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो आपकी आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है उसको ये पतला रखता है, मतलब वो होगा तो नहीं आएंगे।
क्लॉट नहीं आएंगे तो आप ब्रेन के क्लॉटेज, हार्ट अटैक, इस तरीके की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। साथ में ये नर्वस सिस्टम पर भी काम करता है। ठीक है, हमारा जो सोर्स है इसका वो सैल्मन फिश है, और इसमें जो दो तरीके के एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जिनमें की पहला है ईपीए और दूसरा है डीएचए। दो तरीके के सोर्स से आपको ओमेगा 3 मिलता है, जैसा कि आप पिक्चर शो कर रही है कि आपको अलसी से भी ओमेगा 3 मिलेगा, ठीक है, आपको फिश से भी मिलेगा, लेकिन जो फिश जो सोर्स है वो प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि यहाँ पर आपको ईपीए और डीएचए डायरेक्टली फॉर्म में मिल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप अलसी से लेते हैं ओमेगा 3 तो वो इनडायरेक्ट फॉर्म में मिल रहा है, क्योंकि वहां पर आपकी बॉडी इसको कन्वर्ट करेगी ईपीए और डीएचए में। तो इस प्रोसेस में सफिशियंट मात्रा में हमारी बॉडी तक ईपीए और डीएचए नहीं पहुंच पाएगा, राइट? तो कुछ इस तरीके की डेफिशिएंसी है जो साइंटिस्ट ने भी आज बताया है कि कुछ इस तरीके की डेफिशिएंसी ओमेगा 3 की भी आपकी बॉडी में पाई जा रही है, जैसे कि बैकएक होना, ठीक है, मसल्स पेन होना, ज्वाइंट पेन होना, रेडनेस आ जाना, स्वेलिंग होना, बालों में ड्राइनेस होना, आईज में ड्राइनेस होना, स्किन पे ड्राइनेस होना, बाल और आपके डैंड्रफ से आपके पैचेस पड़ जाना। इस तरीके से डैंड्रफ से आपके स्किन पर भी पैचेस पड़ जाते हैं, जब वो स्किन पे आपके डैंड्रफ गिरती है तो वहां पर व्हाइट स्पॉट क्रिएट हो जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स डेफिशिएंसी शो करती है ओमेगा 3 की। और इसके अलावा फोकस्ड ना होना, कुछ बच्चों में भी इस तरीके की प्रॉब्लम देखी जाती है जिसे हम, और आजकल ये बहुत कॉमन है, जिसे हम कहते हैं एडीएचडी। मतलब बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है पर अटेंटिव नहीं है उतना, फोकस्ड नहीं है उतना, इस तरीके की प्रॉब्लम भी ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी शो कर रहे हैं। और भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो आप देख सकते हैं, पिक्चर शो कर रही है कि आपको ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है, आप जरूर लें। इनफैक्ट अगर डेफिशिएंसी नहीं भी है तो आई वुड रिकमेंड हेल्दी इन्वेस्टमेंट प्लान में आप जाएं और इस तरीके के प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स जरूर लें। तो ये रिच इन एसेंशियल फैटी एसिड्स है ईपीए एंड डीएचए, और हर दिन इसे लेना है टिल यू अलाइव, तब तक आप इसको ले जब तक आप जिए। अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें तो जरूर ओमेगा 3 लें, जिससे आपकी बॉडी की फंक्शनिंग, आपके बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं इनकी फंक्शनिंग, लिपिड प्रोफाइल, ये सब की प्रॉपर हो जाए। और साथ में आपका, यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊंगी कि आप अगर देखेंगे आपका बैली फैट बहुत ज्यादा है तो ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बैली फैट को रिड्यूस करने में। पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है, किसी का जल्दी हो सकता है, किसी का देर में हो सकता है। तो हमारा ओमेगा 3 यूनिक क्यों है ये जान लेते हैं। जो ओरिफ्लेम का ओमेगा 3 है उसको 5 स्टेप्स का रिफाइनमेंट प्रोसेस दिया जा रहा है, न्यूट्रलाइजेशन, ब्लीचिंग, विंटराइजेशन, ड्यूराइजेशन और स्टैंडराइजेशन, ठीक है। एंड दूसरा इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स है, यहाँ पर भी ये नॉन जीएमओ है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, ग्लूटेन फ्री है, कोई भी शुगर एडिड नहीं है, तो डायबिटिक पेशेंट्स इसको ले सकते हैं। और इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट है, एंड सेकेंडली 60 कैप्सूल्स का ये जार है जो आपका एक महीने का डोज है। मेजर बेनिफिट्स की बात करी जाए तो सबसे बड़ा ओरिफ्लेम के ओमेगा 3 का जो बेनिफिट है वो है हार्ट हेल्थ पर। जैसा मैंने पहले भी बताया, जो आपके आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है उसको पतला रखता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। साथ में ये गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। एंड सेकेंड, मसल्स और ज्वाइंट जो पेन है वो कम करता है, डिक्रीज करता है इन्फ्लेमेशन को। इन्फ्लेमेशन क्या है, एक तरीके की सूजन है जो हमारे ज्वाइंट में आ जाती है, मसल्स में आ जाती है, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल नहीं रह पाती है और उनको काम करने में दिक्कत आती है और पेन फील होता है आपको। एंड ब्रेन, आई और नर्वस सिस्टम पर काम करता है, आपकी विजन को इम्प्रूव करता है, मेमोरी को बढ़ाता है। बहुत से लोगों को भूलने की आदत होती है कि अभी सामान रखा और थोड़ी देर के बाद भूल गए, या किसी का नाम पूछा और भूल गए, तो यस, सोचने की बात है कहीं आपको ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर यस, ये ब्रेन पे काम करेगा। एक बहुत बड़ी आजकल और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन, और वो हर तीसरे बंदे में देख लो वो डिप्रेशन है, और वो खुद कह रहा होता है यस, मैं बहुत डिप्रेशन का शिकार हूँ, ठीक है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जानना कि डिप्रेशन हो क्यों रहा है। एक्चुअली होता क्या है, हमारे जो ब्रेन में कुछ सेल्स होते हैं, ये सेल्स जगलिंग कर रहे होते हैं,
और जब ये जगलिंग करते हैं इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और आप फोकस्ड नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर ओमेगा 3 लेने वाले एक व्यक्ति पे देखा जाए तो उसके ब्रेन के सेल्स सॉफ्ट एंड सपल रहेंगे, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर रहेगी, जिसकी वजह से उनकी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ेगी और साथ में उनको डिप्रेशन, माइग्रेन ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर हो गए हैं ऐसी प्रॉब्लम तो उसमें उनको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज से ही अपने ब्रेकफास्ट को हम अपग्रेड करते हैं वेलनेस के सेट के साथ में, जिसमें कि अगेन ये सप्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने कुछ न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट भी लिया हुआ है और साथ में आपने लिया है वेलनेस का न्यूट्रिशेक अलोंग विद ओमेगा 3 कैप्सूल्स। यहाँ पर मैं अगेन बताना चाहूंगी कि ओमेगा 3 का जो डोज है वो आपका रहता है 2 कैप्सूल का, जिसमें 1 ग्राम फिश ऑयल है और ये फिश ऑयल नेचुरल फॉर्म में है, इन्हें कंसंट्रेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपको जो ओरिफ्लेम का ओमेगा 3 है उसमें किसी भी तरीके की बैड स्मेल, बैड ओडर नहीं है। और इनकी कवरिंग भी फिश जेलेटिन से बनी हुई है, तो यहाँ पर इजिली सॉल्युबल है, इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा ये कैप्सूल। थर्ड हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस। आज के टाइम में ये मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। राइट, अब आप देख रहे हैं कि आजकल सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, जो हमारे ऊपर अटक रहे हैं और जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमें वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो आप एंटीऑक्सीडेंट लें और ये नहीं सोचे मैं कौन सा लूं या लूं कि नहीं लूं, बल्कि ये कंपलसरी है कि एंटीऑक्सीडेंट आपको लेने ही चाहिए, जिससे आप बहुत सारी डिजीजेस से अपने आप को प्रिवेंट कर सके, अपने आप को एक शील्ड में रख सके और आपको कोई भी वायरस, कोई भी वायरल इन्फेक्शन अटैक नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ इस तरीके के फूड हैं जिनमें आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, लेकिन हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट है वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है हमारा एंटीऑक्सीडेंट जो कि कॉम्बिनेशन है एस्टेक्सेंथीन और बिलबेरी का। यहाँ पर एस्टेक्सेंथीन है जो यूरोप के एक आर्किपेलागो समुद्र से लिया गया, एक एल्गी से लिया गया एस्टेक्सेंथीन है और ये किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है। और इसके अलावा इसमें बिलबेरी भी है, बिलबेरी भी बहुत तरीके के एंटीऑक्सीडेंट में आ जाता है और बहुत ही रिच है एंटीऑक्सीडेंट में बिलबेरी। ये काइंड ऑफ ब्लूबेरीज होती हैं, इनको नेचुरली कल्टीवेट किया गया है और ये आपको जितने भी एनवायरमेंटल एक्सपोजर है, फॉर एग्जाम्पल सन एक्सपोजर है, ठीक है, फ्री रेडिकल वाला एक्सपोजर है, इन सब से आपको एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है। इसकी कवरिंग भी फिश जेलेटिन से बनी है। ठीक है, तो एस्टेक्सेंथीन है, यहाँ पर विटामिन ई भी मिलेगा आपको, विटामिन सी भी मिलेगा। तो जैसा कि नाम ही है स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस, ब्यूटी आ गया तो यस विटामिन ई है तो आपकी स्किन पर काम करेगा, विटामिन सी है तो यहाँ पर भी स्किन पर भी काम करेगा और साथ में आपके इम्यून सिस्टम पे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे, इन पर भी काम करेगा। ठीक है, ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके हर टिश्यू पर, टिश्यू को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जो आप इसे लेते हैं। तो ये जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं और जो मैंने ओमेगा 3 भी बताया, ये फैट सोल्यूबल सप्लीमेंट्स हैं। फैट सोल्यूबल सप्लीमेंट्स का मतलब ये है कि इन्हें आप सिर्फ पानी से ना लें, कोशिश करें कि आप इसे तो अपने खाने के साथ लें, जैसे दाल के साथ ले लें या फिर आप इसे जूस के साथ लें, तो इनका जो इफेक्ट है वो दोगुना हो जाएगा। ठीक है, 30 कैप्सूल का जार आता है इसमें, डेली का 1 का कंजम्पशन है और फिश जेलेटिन से बना हुआ ये कैप्सूल है जो कि नॉन जीएमओ है। यहाँ पर भी ये इसमें जीएमओ नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर कुछ भी नहीं है, ग्लूटेन फ्री है और आर्टिफिशियल शुगर कोई भी इसमें ऐड नहीं करी गई है। तो ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन ई का भी बहुत अच्छा सोर्स है। इनके बेनिफिट्स देख लेते हैं। इसके बेनिफिट्स में सबसे पहला और सबसे अच्छा बेनिफिट, जैसा इसका नाम शो कर रहा है, ये स्किन पर काम करता है, आपकी इम्प्रूव करता है आपकी स्किन इलास्टिसिटी को। और जिससे कि होता क्या है, स्किन में जो सैगिंग आ रही है उससे
आपकी स्किन टाइट होना फील हो जाएगी, लेकिन ये एक दो दिन का कमाल नहीं होने वाला है। इसको आप एटलीस्ट 45 डेज तक लेंगे तो आप फील करेंगे कि यस, की स्किन में आपको बहुत अच्छा फील होने लगा, आपकी स्किन स्मूथ हो गई, सफल हो गई और टाइट होने लगी। एंड सेकेंड है, एंड्यूरेंस पावर को बढ़ाता है ये। एंड थर्ड, जो कि आजकल भी आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस बहुत अटैक कर रहा है, और ये उन्हीं लोगों को अटैक करेगा जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। तो WHO ने भी ये गाइडलाइन दे दी है कि अब ये चलेगा, ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा, इसका कोई भी से छुटकारा नहीं है, कोई भी प्रिवेंशन नहीं मिल पा रहा। तो इसका सिर्फ एक ही प्रिवेंशन है, वो है अपने इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए जरूरी है कि मैं एंटीऑक्सीडेंट हूँ जो कि रिच इन विटामिन सी हूँ। ठीक है, तो जो सिंथेटिक एस्टेक्जेंथिन है उनसे आप देख सकते हो, जो हमारा एस्टेक्जेंथिन है वो 50 टाइम्स मोर पावरफुल है, एंड ये पावरफुल है, 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है बी कैरोटीन में, जो कि आपको गाजर से मिलता है। इसके अलावा विटामिन ई में ये 500 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। इसके अलावा 800 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है कोएंजाइम Q10 से, और 6,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है विटामिन सी में। जिससे कि आप देखोगे, विटामिन सी है, पहले क्या कहते थे हमारी दादी लोग, क्या कहते थे कि अगर आप आंवला खाओगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि आंवले में क्या होता है, विटामिन सी। तो यहाँ पर भी आप विटामिन सी ले रहे हो, 6,000 स्ट्रॉन्गर देन विटामिन सी आप यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये थे हमारे कुछ सप्लीमेंट्स, एंड सेकेंड कॉर्नर स्टोन हमारा आ जाएगा, जिसमें आ जाएंगे हमारी न्यूट्रिशनल डाइट। तो यहाँ पर कुछ प्लेट मॉड्यूल है, जो लोग इसकी पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं वो पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। मैं अपनी लैंग्वेज में आपको प्लेट मॉड्यूल बता देती हूँ, जैसा कि मैं फॉलो करती हूँ। मैं मॉर्निंग में हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ में पहले लेती हूँ अपना न्यूट्रिशेक, 150 ml वाटर में 18 ग्राम न्यूट्रिशेक लेती हूँ। आधा घंटे बाद मैं पोहा या ऐसा लाइट कोई भी ब्रेकफास्ट करती हूँ, एंड इसके बाद कलरफुल लंच करती हूँ। कलरफुल लंच का मतलब है उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी हो, कर्ड भी हो, दाल भी हो। तो ये कलरफुल लंच है, ये आपको आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करता है, और साथ में कहते हैं ना कि राजा की तरह आप खाना खाओ, तो वो राजा की तरह खाना खाते हैं। इसके बाद आ जाता है जब डिनर टाइम आता है, तो डिनर में मैं अपने खाने में अपने वेट को मैनेज करने के लिए अपने रोटी को रिप्लेस करती हूँ मूंग की दाल के चीले से। बाकी इसमें कुछ प्लेट मॉडल लिखा है, आप उसकी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड आ जाएगा एक्सरसाइज, जिसके बहुत सारे बहाने हमारे पास होते हैं कि हम एक्सरसाइज इसलिए नहीं कर पाए। तो आज हम ये जान लेते हैं कि एक्सरसाइज करने का पर्पस क्या है। पहला पर्पस ये है कि जो लाइफस्टाइल डिजीज है बहुत ज्यादा कॉमन है, और देखा जाता है कि जैसे ही एज होती है तो कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज तो ऐड हो ही जाती है। तो अगर आप उससे फाइट करना चाहते हो तो अपने हेल्दी सप्लीमेंट्स, हेल्दी न्यूट्रिशंस के साथ में एक्सरसाइज मस्ट है। आप उनसे फाइट कर सकते हैं अपनी डिजीज से, अगर आप डेली वॉक कर रहे हैं और भी ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, अपनी बॉडी में चेंज देखेंगे, और जो बीमार पड़ रहे होंगे ना, आपका इम्यून कहते हैं ताकत बढ़ेगी, आपने स्टेमिना बढ़ जाएगा, और इसके अलावा आप अपने आप को यंग और यूथफुल देख पाएंगे, अपने आप को शेप अप कर पाएंगे। और जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जो लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आती है, अगर देखा जाए तो उनकी पूरे दिन की जो दिनचर्या है उनकी, उसमें उनका कहीं भी कोई भी फिजिकल फिटनेस के लिए तो वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। यही एक रीजन है, अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनको अच्छी स्लीप भी आएगी, वो एक साउंड स्लीप भी ले पाएंगे। ठीक है, तो ये जान लेते हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज हमें कैसे करनी चाहिए। ओकेशनली हमें करनी चाहिए हमारी फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज, जिसमें आ जाएंगी योगा, स्ट्रेचिंग एंड पिलाटीज। ठीक है, सेकंड आ जाएगा, वीक में आप 2 बार करेंगे स्ट्रेच वाली एक्टिविटीज करेंगे, वेट वाली करेंगे, और सिटअप्स कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं। वीक में 3 बार आप एरोबिक्स कर सकते हैं, साइकिलिंग, डांसिंग, स्विमिंग, टेनिस, बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल, इस तरीके का वीक में 3 बार कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो आपको रोज करनी है, और वो रोज करनी है, वो करनी है ब्रिस्क वॉक। 10,000 स्टेप्स आपने डेली लेने हैं, अपने एलिवेटर को अवॉइड करना है और रिप्लेस करना है स्टेयर से। और जो हाउस कीपिंग वाली एक्टिविटीज हैं, जो कि आज आजकल आप सब लोग कर रहे होंगे, वो खुद ही करनी है, राइट? तो हमारा फोर्थ रहेगा कॉर्नर स्टोन, वेलबींग, यानी कि सोशल होना। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं,
आप अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, सोशल हो रहे हैं, तो आप देखोगे आपके जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी जो 360 डिग्री की अप्रोच रखें अपने लाइफ स्टाइल में, लोगों से मिलें, बात करें। आजकल आप मिल नहीं पा रहे हैं, एटलीस्ट बात जरूर करें, टच में रहें, जिससे आप अपनी बात दूसरे शेयर करते हैं, तो आपका स्ट्रेस और टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और यही आते हैं हमारे वेलबींग टुगेदर। ठीक है, साथ में वेलबींग के लिए रिकमेंड किया जाता है कि 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूर लें। ठीक है, इसके अलावा डू नॉट स्मोक, स्मोक ना करें, और कॉम्बॉट योर स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस से फाइट करें। स्ट्रेस हर है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसे स्ट्रेस ना हो, लेकिन हम अपने स्ट्रेस से खुद ही फाइट कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत जरूरी है मेडिटेशन करें, अपने अपनी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे कि अपने आप को हैप्पी रखें। और एक स्ट्रेटेजी जो मेरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, फॉरगिव एंड फॉरगेट की। ये स्ट्रेटेजी अगर आपने अपनी लाइफ में ले आए, बिलीव मी आप खुश रहेंगे और आपको कोई भी स्ट्रेस अटैक नहीं कर पाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और स्माइल करें। ठीक है, इसके साथ ही वेलनेस की बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, हम अच्छी हेल्थ के साथ में अच्छी वेल्थ भी ले सकते हैं। तो अपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स को आके अपनी सेल को बढ़ा करके अपनी ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। जानते हैं कैसे? मैं नंबर ऑफ क्लाइंट्स अपने कैसे बढ़ा सकती हूँ? अगर मैं देखा जाए तो मैं फ्रेग्रेंस 4 महीने में एक बार खरीदती हूँ। अच्छा, काजल, आप नया एक काजल हर 2 महीने में एक बार खरीदेंगे। फेस के लिए क्रीम 3 महीने में एक बार खरीदेंगे। जो वेलनेस है वो हर मंथ, यानी कि एवरी मंथ आपका हेल्थ सेट आपके लिए आएगा, जो कि आपकी सेल बढ़ा के जाएगा, आपके कस्टमर को लॉयल कस्टमर बना के जाएगा और आपको ऑर्डर बना के जाएगा। साथ में जब आपका कस्टमर आपके फॉलो अप के थ्रू वो सेटिस्फाई होगा, तो वो और भी क्लाइंट्स लेके आएगा और आपकी जो नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ क्लाइंटेज है, वो बढ़ जाएगी। तो हमें क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है? हमें 5% एक्स्ट्रा इमीडिएट प्रॉफिट मिलेगा वेलनेस शेक से। ठीक है, इसके अलावा वेलनेस शेक के सेट से, सॉरी, 28 BP मिल जाएंगे आपको, 100 BP पर सेट मिलेंगे। मतलब 100 BP का ऑर्डर अगर मुझे बनाना है तो मुझे अपनी लाइफ चूज करनी है, जो कि आज की डेट में तो मस्ट है, मस्ट। ठीक है, जो 28 BP आप एक्स्ट्रा देंगे है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोगों की कंप्लेंट होती है कि इतने यहाँ पर एक्स्ट्रा बीपी पे आपका चेक आपका नहीं बनेगा, पर आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो आपकी जो है सेल इंक्रीज हो जाएगी। राइट, तो मैं सेट सेल करती हूँ तो मुझे मेरा उसका कंसल्टेंट प्राइस रहेगा 323 रहेगा, यहाँ पे गलत है लिखा हुआ है थोड़ा सा। और अगर मैं नॉर्मल प्रोडक्ट ब्लॉक से लेती हूँ तो मुझे कितने का सीपी प्राइस मेरा रहेगा? 5100 का, यानी अप्रोक्सीमेटली 1400 रुपए तक का डिफरेंस मुझे देखने को मिलेगा मेरे इन्वेस्टमेंट में। अगर मैं अपने हेल्थ के लिए भी इन्वेस्ट कर रही हूँ और जो मैंने अपने 100 BP के लिए जो लिया वो भी मेरे लिए कम प्राइस में मुझे मिल गया। ठीक है, तो बेनिफिट है बहुत सारे, जिसमें कि नंबर 1 बेनिफिट आ जाता है कि आज की डेट में जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गया है वेलनेस को लेके, तो अभी राइट टाइम है क्लिक करने का। आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 28 BP एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, यहाँ पर हाई बीपी वैल्यू प्रोडक्ट हैं जिससे कि आपकी लॉयलिटी बन रही है। इसके अलावा आपके जो टाइटल्स हैं, जो कि ओरिफ्लेम में आपको बहुत अच्छा लगता है अचीव करना, मैं सीनियर गोल्ड हूँ, इस तरीके के टाइटल्स अचीव करना आपके लिए इजी है। तो पहला स्टेप रहेगा, सबसे पहले हम खुद प्रोडक्ट यूज करें। जब हम कॉन्फिडेंस आए तो हम कस्टमर ही बनेगी। मुझे ये बेनिफिट्स हुए, आपकी टेस्टिमनीज के थ्रू लोग आपसे आपके पास आएंगे, आपका क्लाइंटेज बढ़ेगा, आपका क्लाइंटेज बढ़ेगा, आप उनसे ऑर्डर के बारे में पूछेंगे, और जब ऑर्डर उनको दें उसके बाद एक चीज जो कभी नहीं भूलने वाली है वो है फॉलो अप। फॉलो अप जरूर लेना है। तो ये थी वेलनेस बाय ओरिफ्लेम। थैंक यू सो मच सर। हेलो, हाँ जी श्यामली जी, गुड इवनिंग। वेरी हाँ नाइस प्रेजेंटेशन श्यामली जी।
आई एम श्योर काफी लोगों की काफी क्वेरीज आंसर हुई होंगी, कम से कम मेरी तो हुई हैं कुछ और. शामली क्वेश्चंस आए हैं, वुड यू लाइक टू टेक द क्वेश्चंस? हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए. एक क्वेश्चन है कि मैं 23 में SBC लूं तो स्किन पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होगा. इनफैक्ट 12 साल से ऊपर रिकमेंडेड है. आप एंटीऑक्सीडेंट्स SBC जरूर लें. आपकी स्किन के लिए ये अगेन इन्वेस्टमेंट प्लान रहेगा. फ्यूचर में आपकी स्किन पे एजिंग नहीं आएगी. क्या वेलनेस शेक हम एक बच्चे को दे सकते हैं? 12 इयर्स अबव आप वेलनेस शेक बच्चों को भी दे सकते हैं. और अगर बच्चा 10 साल का है पर उसका वेट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, तो भी आप उसको वेलनेस शेक दे सकते हैं, पर उसका डोज कम कर देंगे. अभी हम 18 ग्राम का बोल रहे हैं, उनको हम 10 ग्राम 9 ग्राम तक का दे सकते हैं. एक है DPA DHA क्या है? EPA और DHA ये एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जिनसे कि EPA काम करता है आपकी ब्रेन के डेवलपमेंट पे और DHA करता है ब्रेन पर और EPA करता है आपके हार्ट हेल्थ पर. ओके, एक है कि न्यूट्रीशेक पानी ठंडे पानी के साथ क्यों लेना चाहिए? एक्चुअली हम इसको, इसमें फाइबर है, अगर आप इसे गर्म पानी में लेंगे तो वो थिक हो जाएगा, और थिक हो जाएगा तो आपकी जो इंटेस्टाइन है वो बहुत बड़ी होती है, उसमें थोड़ी ही जगह जा करके वो स्टक हो जाएगा. और हमारा जो पर्पस था वो था इंटेस्टाइनल, जितनी भी आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको क्लीन करना, उसमें एंजाइम्स एब्जॉर्ब हो, तो एक ट्रैक बनाना. तो जैसे आप ठंडे पानी में लेंगे वो थिक नहीं होगा और एक पूरा ट्रैक बना देगा, और जो भी आप खाओगे वो इजिली उसको डाइजेस्ट करेगा. इसलिए जरूरी है कि आप इसे ठंडे पानी में लें. ओके, आई थिंक यही क्वेश्चन थे. संजय जी आप भी अनम्यूटेड हैं. थैंक यू सो मच राजीव. आई थिंक बहुत ही फैंटास्टिक सेशन था. एक्चुअल में इट्स नॉट ओनली अबाउट वेट लॉस, साथ ही साथ ये हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में है. ओरिफ्लेम वेलनेस बाय ओरिफ्लेम, तो इसको किसी भी कस्टमर को जो वेट लॉस करना चाह रहा है, जो वेट गेन करना चाह रहा है, जो मैनेज करना चाह रहा है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल चाह रहा है, इन सारी चीजों को श्यामली जी ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया. आई थिंक वी शुड स्टार्ट गेटिंग, इसमें से बेनिफिट लेना हमें शुरू कर देना चाहिए बाय रिकमेंडिंग अदर पीपल एंड बाय फॉलोइंग द सेम स्ट्रक्चर. अगर मैं इसको फॉलो करूंगा जैसे श्यामली जी ने बताया, तो औरों को भी सेम बेनिफिट चला जाएगा. सो लेट्स डू दैट. और श्यामली जी, आपके लिए बहुत ही फैंटास्टिक कमेंट्स आ रहे हैं. आई विल शेयर विद यू, लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके सेशन को. थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन. एंड वी विल टेक फर्दर, हम आपकी स्पेशल क्लासेस जो आप आर्म एक्सरसाइज कराते हो लोगों को, कैसे आर्म से अपना वेट रिड्यूस करना है, उसके बारे में भी एक एक्सक्लूसिव सेशन जरूर करेंगे 15 मिनट का व्हेन एवर कमिंग डेज के अंदर. We will take definitely. Anything else, Rajiv, from your side? Nahin. Thank you very much, Shyamli ji. Very nicely explained. Thank you. So now, कल संडे है, कल छुट्टी है, हम एंजॉय करेंगे सेशन. तो मंडे को वापस फिर से मिलेंगे विद फुल एनर्जी. तब तक आप संडे को एंजॉय करके अपने लिए फुल एनर्जी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मीटिंग शेयरिंग है. अगेन बहुत ही फैंटास्टिक लीडर के थ्रू है ये अपॉर्चुनिटी शेयरिंग. वी विल शेयर द लिंक इन द इवनिंग. गुंजन जी इसको करने जा रही हैं, इस अपॉर्चुनिटी मीटिंग को. तो मंडे को अपने और ज्यादा से ज्यादा जो लोग नया ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो लोग नया सीखना चाह रहे हैं, डू बी पार्ट ऑफ दैट सेशन. थैंक यू राजीव. थैंक यू जी.